क्लास 11 हम इस चैप्टर को फिनिश कर चुके थे, द एलियन प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। ये लेसन एक आर्टिकल था जो हमने देखा, एक फेमस इकोनॉमिस्ट ने लिखा था जो इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुआ था। और इसी के साथ हमको पता चला था कि किस तरीके से जो ह्यूमन है वो अर्थ की जो हेल्थ है उसको ख़त्म करते जा रहे हैं। हमारे ह्यूमंस की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है जिससे हम सब चीज़ों का यूज़ एक्सेस में करते हैं, और सब चीज़ों का यूज़ एक्सेस में करने से हम जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको ख़त्म करने वाले हैं। और इस चैप्टर में हमने ग्रीन मूवमेंट के बारे में भी पढ़ा था। हमने देखा था कि कैसे ग्रीन मूवमेंट जो था, जो ग्रीन मूवमेंट चालू हुआ था 26 साल पहले, उसने अवेयरनेस क्रिएट करी, लोगों का परसेप्शन चेंज हुआ, और अब वर्ल्ड वाइड लोगों में ये कॉन्शियसनेस है कि जो अर्थ है वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम सब उसका पार्ट हैं और उसकी खुद की नीड्स हैं जिनको हमें प्रिजर्व करना ज़रूरी है। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं आजकल, और जो हमारे चार बायोलॉजिकल सिस्टम फॉर्म्स हैं बेसिक, उनके बारे में भी अब हमने बात करना स्टार्ट कर दिया है। इसके अलावा हमने इस चैप्टर में देखा था कि ओवर पॉपुलेशन जो है वो मेन कॉज है कि हम अपने फ्यूचर को ख़त्म करते जा रहे हैं। जो एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है उसके साथ अगर हम देखें तो जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ हमें एक ड्रीम के जैसा लगता है। हमें उसके साथ साथ एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस भी ज़रूरी है कि हम एनवायरमेंट के ऊपर भी ध्यान दें। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जो अर्थ है वो हमारे साथ साथ हमारे फ्यूचर जनरेशन का भी है, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हम अर्थ को अच्छा छोड़ के जाए जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत सारी चीज़ें बची रहें। एक बार हम इसके वर्ड मीनिंग्स या जो भी टफ मीनिंग्स हैं वो देख लेते हैं। रिकॉल का मतलब होता है याद करना, कुछ भी चीज़ को मेमोराइज करके याद रखना। ग्रिप्ड यानी किसी भी चीज़ को एकदम ज़ोर से पकड़ लेना या जकड़ लेना। इमेजिनेशन यानी हमारी सोच, जो हम सोचते हैं। एंटायर यानी पूरा, कम्प्लीटली यानी भी पूरा ही होता है। ग्रीन मूवमेंट तो एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था अर्थ के लिए 25 ईयर्स पहले, जो कि न्यूजीलैंड में ढूंढा गया था। इसके बाद इरिवोकेबली यानी कि एक ऐसा तरीका जिसको चेंज नहीं कर सकते हम, जिसमें कोई भी तरीके का परिवर्तन हम नहीं कर पाएंगे। रिवॉल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी तरीके से एकदम। एनॉर्मस यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर कुछ भी चीज़ होती है तो हम उसे एनॉर्मस बोलते हैं। प्रिजर्व्ड यानी किसी भी चीज़ की रक्षा करके रखना। वाइटल साइंस यानी ऐसी चीज़ें जो हमें ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी होते हैं। एथिकल यानी जो हमारे नैतिक मूल्य हैं। ऑब्लिगेशंस यानी कोई भी ऐसा काम जो आपको करना ही पड़ेगा, आप उसके लिए ऑब्लाइज्ड हैं। स्टीवर्ड्स ऑफ द प्लैनेट यानी आप इस प्लैनेट के मैनेजर हैं, आपको इस प्लैनेट का ध्यान रखना है, आप सब चीज़ों का प्रबंध इस पर करेंगे। इसके बाद है डॉन। डॉन यानी कि किसी भी चीज़ की शुरुआत होना। कैटलॉग मतलब किसी भी चीज़ को आपने क्लासिफाई कर लिया है, उसकी लिस्ट बना ली है। रेकन यानी कैलकुलेट करना। लैंग्विश वीक हो जाना, दुर्बल हो जाना। स्कॉर्च्ड यानी कि झुलसना, जला हुआ कुछ भी, जली हुई चीज़। इम्पोवरिश्ड गरीबी। एंड एलिंग यानी बीमारियाँ, वीक होना एकदम। इम्पेयर्ड के बारे में देखेंगे अब हम यहाँ पर। इम्पेयर्ड यानी जो डैमेज्ड चीज़ें होती है, डैमेज्ड गुड्स होते हैं, कुछ भी चीज़ अगर डैमेज्ड है तो उसे इम्पेयर्ड बोलेंगे। डिटोरिएट ख़राब होना, लगातार कुछ भी चीज़ अगर ख़राब हो रही है तो उसे डिटोरिएट बोलेंगे। एक्सटिंक्शन यानी बहुत सारी स्पीशीज़ जो है वो अभी एकदम ख़त्म होने के रेट पर आ गई हैं, पूरे तरीके से जो ख़त्म हो जाएंगी कुछ टाइम में, तो उसे हम एक्सटिंक्शन बोल रहे हैं। और डिस्ट्रक्शन यानी भी ख़राब कर देना, किसी भी चीज़ को बिगाड़ देना। प्रिसीड यानी आगे आने वाली जो भी चीज़ें हैं।
पैट्रिमोनी यानी जो भी आपने विरासत में कुछ चीज़ हासिल करी है उसे पैट्रिमोनी बोला जाता है। एंडीवर यानी किसी भी चीज़ का प्रयास करना, प्रोटेक्ट यानी किसी भी चीज़ की रक्षा करना, इम्प्रूव उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करते रहना। एंग्विश यानी किसी भी चीज़ का जो दर्द होता है उसको हम एंग्विश बोलते हैं। कोअर्शन यानी किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती करना, अगर कुछ चीज़ है कुछ नहीं होना चाह रहा है और हम उसे ज़बरदस्ती करे जा रहे हैं तो उसे हम कोअर्शन बोलते हैं। डिटोरिएटेड हम पहले देख चुके हैं, जो एकदम ख़राब स्थिति होती है उसको हम डिटोरिएट बोल देते हैं। अब हम इसकी टेक्स्चुअल एक्सरसाइज देखेंगे जो क्वेश्चन आंसर आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। सबसे पहला उसमें है लोकेट द लाइन्स इन द टेक्स्ट दैट सपोर्ट द टाइटल द एलिंग प्लैनेट, यानी आपको टेक्स्ट में से ऐसी लाइन्स निकालनी है जो इस बुक के टाइटल यानी द एलिंग प्लैनेट यानी बीमार या कमज़ोर प्लैनेट को सपोर्ट करती हूँ। तो इसका आंसर है द लाइन्स दैट सपोर्ट द टाइटल द एलिंग प्लैनेट्स आर द अर्थ्स वाइटल साइन रिवील अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ, यानी जो अर्थ के वाइटल साइंस हैं उससे पता चलता है कि अर्थ एक ऐसा पेशेंट है जिसकी हेल्थ लगातार गिरती जा रही है। आर वी टू लीव अवर सक्सेसर अ स्कॉर्च्ड प्लैनेट, यानी क्या हम हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए गर्म जलता हुआ प्लैनेट छोड़ के जाएंगे जो सिर्फ डेजर्ट बन रहा है या फिर खराब लैंडस्केप बनता जा रहा है, कमज़ोर इन्वायरमेंट वाला, बीमार इन्वायरमेंट वाला। The environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated. यानी जितनी 88 countries में investigate करा गया है वहाँ का environment इतना bad है कि उसे critical नाम दिया गया है। There can be no doubt that the growth of the world population is one of the strongest factor distorting the future of human society. यानी कि इसमें कोई doubt नहीं है कि जो world population जिस हिसाब से बढ़ती जा रही है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर है जो हमारे फ्यूचर को खराब कर रही है। व्हाट डज द नोटिस द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल केज इन द जू ऑफ लुसाका जैम्बिया सिग्निफाई, यानी कि जैसा हमने पढ़ा था कि एक जू में एक नोटिस लगा था कि यहाँ वर्ल्ड का सबसे डेंजरस जानवर रहता है एक पिंजरे में, उसका क्या मतलब था। द नोटिस द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल सिग्निफाइज दैट मैन इज सोनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डिटोरिएशन इन द एनवायरमेंट एंड हिज ओन सर्वाइवल इज अंडर थ्रेट नाउ, यानी कि ये बताता है कि जो मैन है वो पूरे वर्ल्ड का सबसे डेंजरस जानवर है और सब उसी की जिम्मेदारी है, ये सब उसी की वजह से हो रहा है, जितना भी एनवायरनमेंट का डिटोरिएशन हो रहा है, जो भी चीज़ें हम ख़राब कर रहे हैं वो सब मैन की वजह से हो रहा है और अब हमारा खुद का सर्वाइवल खतरे में पड़ गया है। हाउ आर द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिक सिस्टम बींग डिप्लेटेड, अर्थ के जो भी प्रिंसिपल हमने देखे थे चार बायोलॉजिकल सिस्टम है वो कैसे खराब हो रहे हैं। As per Mr. Brown, these are the four principal biological system: fisheries, forests, grasslands and croplands. यानी कि जो मछली पालन है या जो जंगल है, वन है, घास के मैदान है और फसल है, ये हमारे चार basic principal हैं। Biological system are being depleted by excessive use. यानी अब हम इसका एकदम ज़्यादा मात्रा में use कर रहे हैं, जैसे overfishing करना, जितनी ज़रूरत नहीं उससे ज़्यादा मछलियाँ पकड़ना, कटिंग द वुड, लगातार लकड़ियाँ काटते रहना, ग्रासलैंड एकदम खाली मैदानों में तब्दील होते जा रहे हैं और जो क्रॉपलैंड्स हैं वो नष्ट होते जा रहे हैं, जो भी फसलें हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं और ये जो सिस्टम्स हैं ये एकदम अनसस्टेनेबल पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहाँ पर ये निरंतर सिर्फ ख़राब हो रहे हैं। Why does the author ever that the growth of world population is one of the strongest factor distorting the future of human society? यानी author को ऐसा क्यों लगता है कि जो world population बढ़ना ही सबसे main कारण है सब चीज़ों का। The growth of world population is main cause of depletion of the earth's principal biological system. क्योंकि over population से unemployment बढ़ती है, काम करने के लिए नहीं है, poor health condition बढ़ती है, ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे और ह्यूमन क्लेम्स बहुत एक्सेसिव हो जाते हैं और इसलिए अब हमारी प्रोडक्टिविटी डैमेज होने लग गई क्योंकि जितने लोग हैं उतना हम सामान नहीं बना पा रहे हैं और डेवलपमेंट तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक वर्ल्ड की पॉपुलेशन ऐसे ही ग्रो करती रहेगी। लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉर एनफोर्स्ड इन इंडिया, ये डिस्कस करने का क्वेश्चन है, डिस्कस इन फोर ग्रुप बनाकर आप टॉक कर सकते हैं इसके बारे में कि कैसे लॉज हैं जो हमारे इंडिया में रिस्पेक्टेड भी नहीं करे जाते, हम रिस्पेक्ट भी नहीं करते हैं और इनका एनफोर्समेंट भी हम
नहीं करते हैं। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है, जो आप पढ़ के आप आपस में चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, ये आपको रिटर्न में नहीं करना है। आर वी लिविंग अवर सक्सेस एज अ स्कॉर्च्ड प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स इम्पोवर्श्ड लैंडस्केप्स एंड एलिंग एनवायरमेंट। यानी क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एक जलता हुआ ग्रह छोड़कर जा रहे हैं जहाँ पे सिर्फ रेगिस्तान बढ़ते जा रहे हैं, या फिर सब बिगड़ा हुआ है और जो हमारा एनवायरमेंट है वो भी बीमार है, ये भी आप डिस्कस करना। वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम अवर फोर्थ फादर, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम अवर चिल्ड्रन। यानी हमने विरासत में नहीं पाया है, हमने इसको किसी से उधार लिया है, यानी हमें आगे के लोगों को भी ये चीज़ देना है। द प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन दैट डायरेक्टली अफेक्ट अवर एवरीडे लाइफ। ये तो एक पूरा ऐसे है कि आप ओवर पॉपुलेशन के बारे में पूरा लिख सकते हैं।